सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। गोबर का स्नान बहुत महत्वपूर्ण स्नान है, बहुत महत्वपूर्ण। अगर आपको पसीने की स्मेल से परेशान हो आप, अगर आप स्किन डिसीज से, त्वचा के रोगों से परेशान हो, अगर आप इचिंग आदि इत्यादि इस तरह के रोग हो जाते हैं, अगर आप स्किन की कोई भी परेशानी से पीड़ित हैं, आपको जल्दी जल्दी एलर्जी हो जाती है उससे पीड़ित हैं, आप देसी गौ माता के गोबर को अगर उस जगह पर उपयोग कर रहे हैं, आप परमानेंट सॉल्यूशन पाने के हकदार हो जाएंगे। परमानेंट सॉल्यूशन देसी गौ माता के गोबर की महिमा है, परमानेंट सॉल्यूशन। आपको मान लीजिए यहां इस पार्ट है या खुजली है, कुछ होता है, प्रॉब्लम है, आप लगाकर देखिए आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ये चिकित्सा पद्धति का इतना बड़ा विज्ञान था जिसे लोगों ने कहा अरे तो बकवास है, क्योंकि अगर बकवास नहीं कहेंगे तो उनकी दुकानें कैसे चलेंगी, उनकी मेडिसिन कैसे बिकेंगी। और जब गौ माता के गोबर से स्नान करा दिया महाराज, उसके बाद गौमूत्र से स्नान कराया, गौमूत्र जिसके अंदर इतने खनिज और लवण होते हैं, इतने खनिज और लवण होते हैं जिसका कोई और छोर नहीं है, उससे स्नान कराया। और फिर लाला को जब दोनों से स्नान करा दिया, उसके बाद गौ माता की पूंछ का झोरा, जो पूंछ का झोरा होता है ना बाल जो आखिरी में, उससे लाला की नजर उतारी, ऐसे 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 कई गुना पॉजिटिविटी से भरा हुआ वो झोरा होता है। अगर आपको कभी डिप्रेशन जैसी महसूस हो, कुछ हो, बस वो 10 मिनट पकड़ के बैठ जाओ उसको, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका मोबाइल चार्ज होता है ना, वैसे आप चार्ज होने लगे, देखिएगा समझ में आएगा इतने परसेंट हो गया। सच बोलता हूं आपको, इतनी यूं ही नहीं बोलते गौ माता को कि 33 कोटि देवताओं का वास है, है तभी वो प्रमाण आता है सामने। और कई बार आप देखिए कि कृष्ण को हम पूजते हैं लेकिन गौ माता को नहीं पूजते, तो कृष्ण कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। आप अनेकों बाल लीलाओं के बारे में सुनते हैं, लेकिन मैं बाल लीला के इस विज्ञान की चर्चा आपसे जरूर करूं, क्योंकि लीला तो आप सुनते ही रहते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं आप, लेकिन इस विज्ञान को जानना बहुत जरूरी है कि बालपन में भगवान ने ये लीला गौ माता के साथ क्यों की है। गौ माता भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत कीमती है, वैसे हमारे लिए भी कीमती होनी चाहिए। जीवन में अगर मौका पड़ जाए तो एक बार गौ माता का दान जरूर करना चाहिए, एक बार। अगर कुछ कई लोग हैं कई बार करते हैं, पर एटलीस्ट एक बार गौ माता का दान जरूर करें, क्योंकि हम और आप कितनी तरक्की कर लें, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगी होगी। यात्रा को पूरा करने के लिए, वैतरणी के लिए, हमें वही गौ माता और वही झोरा पकड़ना पड़ेगा, वही पकड़ना पड़ेगा और वही पार लगाएंगी। क्यों? क्योंकि उसमें 33 कोटि देवता पूरी ताकत के साथ बैठे। गौ माता सिर्फ गौ माता नहीं है, गौ माता इस पृथ्वी पे चलता फिरता स्वर्ग है, चलता फिरता स्वर्ग, चलता फिरता स्वर्ग रोज आपके दरवाजे पर आता है। आप सोचिए, काश कोई इस बात को समझ पाए, आप उनमें दर्शन करिए। और गौ माता के गोबर में तो लक्ष्मी जी का वास है भाई, लक्ष्मी जी का वास है साक्षात उसमें, सोचिए आप। इसलिए अपने जीवन में गौदान जरूर करें।